बार बार से मजबूती अगर किसी ने दी है अपने रिश्ते को अपना रिश्ता समझ कर उस रिश्ते को आगे बढ़ाया है और क्या बेहतरीन बयान देते हुए ये कहते हुए मोहसिनुद्दीन साय ये कहते हुए उनकी खून में उनकी नस्ल में खुददारी शामिल रही है हमेशा खुददारी को बढ़ावा दिया खुददारी को तरजीह दिया वसीउद्दीन साहब को मैं सलाम करता हूँ और 200 रुपए का की फॉरेन स्टेज से हासिल कर ले और अब आगे की कमेंट्री के लिए माइक पर और आगे की कमेंट्री के लिए अब माइक पर मैं आवाज देना चाहता हूँ एक बेहतरीन उर्दू अल्फाज के मालिक को जो उर्दू हमेशा इस हिंदी के बाद हिंदी और उर्दू ये पहले है और हिंदी और उर्दू का एक बेहतरीन संगम आगा कोई भया करता है 12 तारीख को सोमवार में कबड्डी है हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहसीब को हमारे मुल्क की सभ्यता को हमारे मुल्क की संस्कृति को अगर आज किसी ने बचाया है हिफाजत की है तो उर्दू के को बढ़ावा देने वालों ने बचाया है आइए उर्दू को फरोग देने का बेहतरीन हुनर रखने वाला इंसान मोहम्मद अबू साद साहब आगे की कमेंट्री के लिए माइक पर जम दहा दो भदेठी जीरो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर जनाब अव्वल साहब का जो अपने मखसूस अंदाज में लबकुशाई कर रहे थे आप तमाम हमरा की नुमाइंदगी कर रहे थे इस माइक्रोफोन के जरिए हजरत गिरामी आज का ये तारीख का टूर्नामेंट धीरे धीरे अपने नशे को फराज से गुजरता हुआ अपने मंजिल मकसूद की तरफ गामजन है इस टूर्नामेंट का ये मुकाबला बदेठी बनाम आयका वॉलपेपर जमदहा के दरमियान चल रहा है एक ऐसी शख्सियत जो लगातार अपने कल्ब को वसी किए बैठी है इस टूर्नामेंट की रूह इस टूर्नामेंट की आबरू इस टूर्नामेंट की जीनत इस इलाके का उनवंदा इसी गांव इसी मिट्टी से ताल्लुक रखते हैं जनाबे उजैर साहब आपका सपोर्ट चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक कमेंट में मैंने पिन कर दिया है और एक से बढ़कर एक इनाम जो है कमेंटेटर और खिलाड़ियों के लिए जो है यहाँ पर पहुँचा रहे हैं हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं एक और शख्सियत जो की और ताल्लुक की मोहताज नहीं है जनाबे वसीउद्दीन साहब मानी कला जो इल्म व अदब तहजीब व तमद्दुन का वो शहर मानी शहर सिराज हिंद मानी कला का वो शहजादा जो लगातार अपने कल्ब को वसी किए बैठे हैं तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए इनामों की बौछार जनाबे वसीउद्दीन साहब आपके लिए बस इतना ही कि मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है मेरी मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है मैं
कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करता है और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाने उसको मिलते हैं जो तरफीम करता है। अपने खजाने से लगातार तरफीम कर रहे हैं जनाब वसीउद्दीन साहब, इस टूर्नामेंट की रूहे नवा, इस टूर्नामेंट की जीनत और इस टूर्नामेंट की कामयाबी की जमानत गाइस पर जलवा अफरोज है। तमाम खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए उनकी तरफ से एक इनाम आया है, जो भी टीम इस मुकाबले में फतह हासिल करती है यानी कि जीत की तहरीर पर दस्तक देती है, ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ स्कोर है आई का वाल पेपर पर आज के स्कोर पर है, जबकि इलाके की बात की जाए तो इलाके में जब भी बेहतरीन टीमों का नाम शुमार होता है तो आई का वाल पेपर जनता का नाम सारे अंदर फेहरिस्त हुआ होता है। वही पर मौजा भदेटी की ये टीम जो कबड्डी की दुनिया से बहुत दूर आज कबड्डी का दर्श लेते हुए अपने होम ग्राउंड पर अपनी ही सरजमी पे ये तमाम फनकार अपने फनकारी का लोहा मनवाने के लिए नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं पर एक से बढ़कर एक फनकारों से लड़ने से आयका वाल पेपर की ये टीम पूरी तरह से जो है अपने फनकारी का लोहा मनवा रही है। याद रहे दोनों टीमें समय शेष दो मिनट है पूरा खेल मुकम्मल होने में, अगले मुकाबले के लिए आवाज दी जा रही है, अगले मुकाबले के लिए आवाज दी जा रही है कैप्टन भदेटी और कैप्टन अरत बिल्कुल बार बार रहेंगे। दोनों टीमें सिद्ध सिराजे हैं से ताल्लुक रखती है, आज अपनी फलकारी का लोहा मनवाने के लिए आमने और हौरम में होंगे और इस जो है एंगल होल्ड करने की कोशिश लगाम साबित होती हुई एक और पॉइंट जुड़ता हुआ खाते में टीम ऑफ आयका वाल पेपर जंदा खूबसूरत ये मुकाबला खूबसूरत आज ये तारीखी रात अपने आप में एक अलग पहचान एक अलग मुकाम बख्शती हुई और मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रभु जवाब और जितने भी शायकीन हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है, किसी भी कबड्डी की कामयाबी की जमानत हुआ करते हैं ये तमाशाई ये शायकीन कबड्डी किसी भी टूर्नामेंट में कामयाबी की जमानत हुआ करते हैं और लगातार शुरुआती दौर से जो मेहमान अल-इकराम तशरीफ फरमा है। अगले मैच में